पीथमपुर में सूदखोरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही की जा रही। जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश में माफियाओं के खिलाफ पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज पीथमपुर के ग्राम घाटा बिल्लोद निवासी संदीप जाट सूदखोर को हिरासत में लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई माह में गुमशुदा हुए शुभम वैष्णव नामक युवक की तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी। गुमशुदा शुभम जब वापस आया तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। संदीप जाट नामक व्यक्ति से 2,83,000 रुपये ब्याज पर पैसा उधार लिए थे, जिसमें करीब 7,80,000 रुपये शुभम द्वारा लौटा दिए गए हैं। इसके बाद भी संदीप जाट द्वारा 13,00,000 रुपये की मांग लगातार कर रहा है। फरियादी द्वारा पैसे नहीं देने पर शुभम की कार और मोटरसाइकिल रख ली गई है। पुलिस द्वारा संज्ञान में मामले को लेने के बाद संदीप जाट के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। एक आरोपी को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में इस समय माफियाओं के खिलाफ पूरे धार जिले में कार्रवाई चल रही है। उसी तारतम्य में घाटा बिल्लोद में एक जुलाई माह में गुमशुदा हुआ था शुभम वैष्णव नाम का व्यक्ति, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। वो जैसे ही वापस आया तो एक चौंकाने वाली खबर आई कि इस व्यक्ति से, एक संदीप जाट नाम का व्यक्ति ने 2,83,000 रुपये ब्याज में पैसे लिया था और जिसमें 7,80,000 रुपये दे चुका था। इसके बाद भी 13,00,000 रुपये संदीप जाट द्वारा मांगा जा रहा था, नहीं देने पर उसकी मोटरसाइकिल होंडा यूनिकॉर्न और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी उसने ज़बरदस्ती रख ली थी। इस पुलिस के संज्ञान में आने पर इसके खिलाफ, संदीप जाट के खिलाफ 384, 386, 506, 294 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में लिया गया। अच्छा जी, और डिटेल पूछताछ में जो सामने आया तो इसमें मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई संदीप जाट के खिलाफ की गई है और यह कार्रवाई पूरे पीथमपुर क्षेत्र में सभी सूदखोरों के खिलाफ जारी रहेगी। ठीक सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।